Hello and Namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in today's video we are going to cover about mechanics of blasting and effects of vibration, second part. So ye topic hamara already start ho chuka hai. In first part we have covered about our vibrations and the damages due to vibration and kya bolte hai hamara controlled blasting and what are the types or design of blasting. Humne ye sab cheez abhi hum cover karne wale hai. So let us go to our कंटेंट एंड लेट स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट अभी हम कंट्रोल ब्लास्टिंग के बारे में जानते हैं कि कंट्रोल ब्लास्टिंग होता क्या है. तो जैसे कि नाम है हमारा कंट्रोल ब्लास्टिंग, कंट्रोल ब्लास्टिंग को यही बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ब्लास्टिंग हम एक कंट्रोल वे से कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा इफेक्ट इन द वर्स्ट वे ना करे. तो अभी 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 हम कोई भी ब्लास्टिंग अगर एक कंट्रोल वे से करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम एक जो इम्पैक्ट है उसका बुरा वाला उसको थोड़ा सा मिटिगेट या फिर कम कर रहे हैं. तो अभी हम अगर इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इट इज दैट कंट्रोल ब्लास्टिंग इज अ मीन्स टू मिटिगेट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ब्लास्टिंग इन ओपन पिट्स, क्वेरीज, टनल्स, अंडरग्राउंड माइंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग. तो इसका मतलब ही यही है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग बेसिकली हम कोई भी ब्लास्टिंग का जो बुरा इफेक्ट है वो ना हो, इसीलिए हमें कंट्रोल वे में ब्लास्ट करते हैं. तो ये हो गया हमारा एक डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग. सो इससे हम क्या क्या चीज कंट्रोल कर रहे हैं. तो पहला चीज है हमारा ओवरब्रेक. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ओवरब्रेक क्या होता है कि अगर हमारे सराउंड ब्लास्टिंग की वजह से अगर हमारे सराउंडिंग को डैमेज हो रहा है तो उसको ओवरब्रेक होते हैं. तो ये अगर ना हो तो इसी के लिए हमको कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है. नेक्स्ट इज ग्राउंड वाइब्रेशंस, थर्ड वन इज फ्रैक्चर्स विद इन रिमेनिंग रॉक वॉल्स, देन नॉइस, डस्ट, फ्लाई रॉक एंड डायलूशन ऑफ ओर, वेस्ट ऑफ रॉक और एक्सेट्रा. मतलब ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं. तो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कंट्रोल ब्लास्टिंग टाइप्स. कंट्रोल ब्लास्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंट्रोल ब्लास्टिंग है, जैसे कि लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग, स्मूथ कॉन्टोर और पेरीमीटर ब्लास्टिंग, माइक्रो सिक्वेंशियल कंट्रोल ब्लास्टिंग, मफल ब्लास्टिंग, चार्जिंग विद वॉटर बॉल एम्प्योल्स, एयर डेकिंग एंड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट टाइम डिलेज. तो इसको थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ एक ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है. तो लाइन ड्रिलिंग में क्या होता है बेसिकली इज इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल रो ऑफ क्लोजली स्पेस्ड अनचार्ज होल, क्या बोलते हैं, अलोंग द नीट एक्सकवेशन लाइन. मतलब इसमें क्या होता है कि अभी हम एक लाइन पे ब्लास्टिंग हमने एक चार्ज कर रखा है, उसी के पास में हम एक एम्प्टी चार्ज होल्स वहां पे हम रख देते, मतलब वहां पे हम सिर्फ होल्स बनाते हैं उसमें चार्ज नहीं करते. तो उससे क्या होता है कि एक जो प्लेन है उसमें अभी होल्स बन गए तो उधर एक वीकनेस आ गया, वहां पे एक डिसकंटिन्यूटी आ चुकी है. तो इससे क्या होगा जब हम यहाँ पे ब्लास्टिंग करेंगे उसके वजह से वो डिसकंटिन्यूटी या फिर वो जो होल्स है वो थोड़ा वीक कर देगा उसके स्ट्रेंथ को और हमारा जो प्राइमरी ब्लास्ट है वो और अच्छे तरीके से आएगा. तो इसके वजह से क्या होता है कि जो वेव्स हैं हमारे ब्लास्टिंग के टाइम पे वो थोड़े रिफ्लेक्ट कर जाते हैं क्योंकि हमारे होल्स जो खाली खाली होल्स बने हुए हैं उसके वजह से, और उसका जो होस्ट रॉक्स हैं जो उसके सराउंडिंग में उन पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो ये हो गया हमारा लाइन ड्रिलिंग. अभी नेक्स्ट वन इज प्री स्प्लिटिंग. प्री स्प्लिटिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्रैक्स बनाते हैं ब्लास्ट करके ताकि फाइनल कंटूर के लिए पहले ब्लास्ट बना लेते हैं. मतलब पहले ब्लास्ट नहीं बनाते, हम क्या करते हैं पहले हम ब्लास्टिंग करते हैं ताकि क्रैक्स फॉर्म हो जाए, उसके बाद जहां पे हमको ब्लास्टिंग चाहिए वहां पे जहां पे हमारा ये फाइनल कॉन्टोर है उसके लिए हम ड्रिल होल्स करते हैं, उसके बाद हम उसमें होल ड्रिल्स करते हैं. तो इससे क्या होता है कि इससे बैक ब्रेक और जो ग्राउंड वाइब्रेशन है इसको भी कंट्रोल हो जाता है. तो ये होता है हमारा प्री स्प्लिटिंग. प्री स्प्लिटिंग का मतलब मैं एक बार वापस समझाता हूँ. प्री स्प्लिटिंग में क्या करते हैं हम लोग कि अभी हमारा जैसे एक कॉन्टोर है, हमको अभी एक और जगह पे काम करना है, पर इसमें क्रैक्स फॉर्म करने के लिए हम एक प्री ब्लास्ट करते हैं, पहले एक ब्लास्ट करते हैं ताकि उसमें क्रैक्स फॉर्म हो जाए, उसके बाद हम लोग ड्रिल होल ड्रिल करते हैं वहां पे, फिर चार्ज करते हैं और फिर ब्लास्ट करते हैं. तो इससे क्या होता है कि वो एक वीकनेस आ जाती है वहां पे जिसके वजह से हमारा जो ब्लास्टिंग है वो स्मूथली होता है. इससे भी हमारा बैक ब्रेक और ग्राउंड वाइब्रेशन थोड़े से कंट्रोल होते हैं. ये हो गया हमारा प्री स्प्लिटिंग. नेक्स्ट वन इज स्मूथ कॉन्टोर और पेरीमीटर ब्लास्टिंग. इसको मोस्टली हम अंडरग्राउंड माइंस में यूज करते हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें ड्रिल होल्स जो है वो पास पास बनाते हैं जिसमें डी कपल चार्जेस होते हैं.
होल्स जो है उसमें पांच पांच पार्ट में रहते हैं, जिसको डीकपल चार्जेस से भर देते हैं और उसको साइमल्टेनियसली हम फायर करते हैं ताकि हमें एक एक्सकावेशन कॉन्टोर मिल जाए। मतलब हम जो छोटे छोटे होल्स हमने, मतलब छोटे छोटे नहीं, वो ड्रिल्स होल्स हमने क्लोजली बना रखे हैं, उसमें हमने डीकपल चार्ज से भर रखा है उसको, फिर उसके बाद उसको हम ब्लास्ट करते हैं साइमल्टेनियसली ताकि हमें एक एक्सकावेशन कॉन्टोर मिल जाए। मतलब बिना हम साइड वाली चीजों को या फिर सराउंडिंग को डैमेज करके हमको एक चीज एक्सकावेशन मिल जाए। ये होती है हमारी स्मूथ कॉन्टोर पेरीमीटर ब्लास्टिंग। नेक्स्ट वन इज माइक्रो सिक्वेंशियल कॉन्टोर ब्लास्टिंग। माइक्रो सिक्वेंशियल कॉन्टोर ब्लास्टिंग, जैसे कि नाम है माइक्रो सिक्वेंशियल, मतलब कि एक छोटे से मिलीसेकंड के टाइम पे ही एक सिक्वेंस में ब्लास्ट होता है। तो क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि कॉन्टोर होल्स जो है दे आर फायर्ड इन अ सिक्वेंस, और इसमें जो डिले होता है 1 to 2 मिलीसेकंड होता है, और इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होता है कंपेयर टू साइमल्टेनियस इनिशिएशन। और ये दोनों पैरामीटर में अच्छा होता है, मतलब ग्राउंड वाइब्रेशन में भी अच्छा होता है और हमारे जो क्रैक फ्रीक्वेंसी जो है उसमें भी अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारा माइक्रो सिक्वेंशियल कंट्रोल ब्लास्टिंग। नेक्स्ट वन इज मफल ब्लास्टिंग। मफल ब्लास्टिंग बहुत सिंपल है। मफल ब्लास्टिंग में क्या होता है कि हमको ब्लास्ट होल्स जो है उसको हमें कंप्लीटली पैक करना है या फिर उसको कवर करना है, ताकि जब ब्लास्टिंग हो उस टाइम पे फ्लाई रॉक्स को हम अवॉइड कर सकें। फ्लाई रॉक्स को हम अवॉइड कर पाए इसलिए हम मफल ब्लास्टिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा मफल ब्लास्टिंग। नेक्स्ट इज चार्जिंग यूजिंग वाटर बॉल एंड एम्प्योर्स। मतलब हम जब चार्ज करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं ताकि हमारे एक प्रॉपर वे से एक कंट्रोल ब्लास्ट हो, इतना वर्स्ट इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट वन इज एयर डेकिंग। एयर डेकिंग क्या होता है, एयर डेकिंग में क्या करते हैं हम लोग, हम इससे एयर गैप्स बनाते हैं ब्लास्ट होल। इसमें जो ब्लास्ट होल में एयर गैप्स बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं हम जो कॉलम चार्ज है हमारा, इसको हम नंबर ऑफ डेक्स में सेपरेट कर देते हैं ताकि हमको बेटर फ्रेगमेंटेशन मिले और इससे भी हम बैक ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एयर डेकिंग। नेक्स्ट वन इज प्रेसाइज एंड एक्यूरेट टाइम डिले। प्रेसाइज और एक्यूरेट टाइम डिले क्या होता है, जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं कि एक टाइम डिले से ही रिलेटेड है, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक ऑप्टिमम टाइम हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम लोग हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी भी मिलती है, और इसमें हम लोग हर एक डिले के बाद अपना एक्सप्लोजिव का क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते जाते हैं, जिससे हमें एक सेफ्टी भी मिलता रहता है। और इसका क्या, इसका प्लस पॉइंट क्या है कि अगर हम छोटे ड्यूरेशन में इसको ब्लास्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा जो वाइब्रेशन है उसको थोड़ा मिटिगेट या फिर कम करता है। तो ये हो गए हमारे कंट्रोल ब्लास्टिंग टाइप्स। सो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट पार्ट विच इज डिजाइन ऑफ ब्लास्ट। डिजाइन ऑफ ब्लास्ट, अगर हम ब्लास्ट डिजाइन कर रहे हैं तो उसका कैसा होता है, तो पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट इज सब ड्रिल। अगर सब ड्रिल शुड बी बिटवीन 0.3 and 0.5 ऑफ स्पेसिंग। सब ड्रिल क्या होता है कि अभी हमने एक ड्रिल होल बना लिया है, एक सरफेस पे बना लिया है, अभी हम उससे नीचे भी एक ड्रिल करते हैं थोड़ा सा अगर हमें रिक्वायर होता है, पर उधर भी एक्सप्लोजिव होता है, पर उस चीज को हम कर सकते हैं। अगर हम करें तो उसको भी हम लोग 0.3 से 0.5 स्पेसिंग में होना चाहिए। तो ये चीज हो गया हमारा सब ड्रिल। नेक्स्ट इज स्टेमिंग शुड बी इक्वल टू द बर्डन। ऑब्वियसली अभी हमारा जितना भी बर्डन है, बर्डन मतलब क्या है, हमारा ब्लास्ट होल के डेप्थ से हमारा सराउंडिंग मतलब टॉप फ्री फेस तक, वो जो है वो बर्डन जो है स्टेमिंग वहां तक फुल होनी चाहिए। अगर वहां से कम हुई तो जब भी ब्लास्टिंग होगा तो फ्लाई रॉक्स बाहर आने के चांसेस हैं, तो इसलिए हमको स्टेमिंग भी प्रॉपरली करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इन एनी ब्लास्ट वेयर देयर इज होल फॉर होल डिले द स्पेसिंग टू बर्डन रिलेशनशिप शुड बी 7:5। मतलब अगर कोई भी ऐसा ब्लास्ट है जहाँ पे होल टू होल डिले, होल टू होल, होल फॉर होल डिले, मतलब एक होल, दो होल, तीन होल, चार होल, ऐसा होल बाय होल ब्लास्टिंग हो रहा है, तो इसमें जो स्पेसिंग और बर्डन का रिलेशनशिप होना चाहिए, स्पेसिंग और बर्डन का रिलेशनशिप जो है वो 7:5 के बीच में होना चाहिए। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन होल या फिर स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/2 द डेप्थ ऑफ द बोर होल। मतलब अगर हमारा जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग मतलब एक होल से दूसरे होल के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक बोर होल के हाफ डेप्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज द डिटोनेशन वेलोसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव शुड मैच एज क्लोजली एज पॉसिबल द सोनिक वेलोसिटी ऑफ द रॉक टू बी ब्लास्टेड। मतलब कि हमारा जो डिटोनेशन वेलोसिटी है वो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए ताकि वो हमारे जो सोनिक वेलोसिटी है रॉक का उसके साथ मैच करे, ताकि वो उसको तोड़ पाए। तो ये चीज हमारा डेटोनेशन वेलोसिटी उस लिमिट तक, उस कैपेबिलिटी को रखना चाहिए अपने पास। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इज अभी नेक्स्ट पॉइंट अगला क्या है हमारा, जनरली सिलेक्ट द मोस्ट डेंस एक्सप्लोजिव पॉसिबल कंसिस्टेंट विद वाटर लोडिंग कंडीशंस एंड डिजायर्ड रिजल्ट। इसका
इसका मतलब क्या है कि अभी जैसा कि हमको आउटपुट चाहिए उसी हिसाब से हमको एक्सप्लोजिव लेना पड़ेगा। एक्सप्लोजिव लेने के बाद उसको कंसिस्टेंट विद वाटर का मतलब क्या है कि वाटर से खराब ना हो, वाटर के साथ भी रह पाए और इतना वाटर इफेक्ट ना करे उसको, और सेकेंड लोडिंग कंडीशंस भी उसके आसान रहे और उसका जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमको मिल जाए। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिलेक्ट एक्सप्लोजिव्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉक फॉर्मेशन टू बी ब्लास्टेड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक एक्सप्लोजिव सिलेक्ट कर रहे हैं अगर वो हमारा जो रॉक फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा तो हमको अपना प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था। तो इसी के हिसाब से हमको पहले रॉक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमको एक्सप्लोजिव्स को सिलेक्ट करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हेन यूजिंग स्लरी और वाटर जेल एक्सप्लोजिव्स ऑलवेज डिटरमाइन द क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच द एक्सप्लोजिव्स विल फेल टू रिलायबली डिटोनेट। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम स्लरी या फिर वाटर जेल एक्सप्लोजिव्स को ले रहे हैं उस टाइम पे हमको जो हमारा होल है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है हमको वो चीज देख लेना चाहिए, ताकि अगर हमारा उसके नीचे रहा क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विश, अगर उसका नीचे रहा तो उसका मतलब हमारे जो एक्सप्लोजिव है वो अच्छे से डिटोनेट नहीं करेगा। तो ये चीज, ये हो गए हमारे, हम ए मतलब 8 A8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, दिस आर ऑल द थंब रूल्स। अगर हमको एक ब्लास्ट डिजाइन करना है, एक ब्लास्ट प्रिपेयर करना है हमको कि हमको एक ब्लास्टिंग करनी है, तो उस टाइम पे हमको ये 8 रूल्स को अपने माइंड में रखना होगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रॉम माइंड मैक।